मेरे फूल, अजीज साहब आ गए। तुम जल्दी आ गईं। मैं दिलरुबा को देखने के लिए आई थी, लेकिन दिलरुबा जा चुकी है अजीज। दिलरुबा चली गई? मैंने उसका कमरा देख लिया है, वो अपनी सारी चीजें समेट कर सूटकेस लेकर चली गई है। वो अब यहाँ पर नहीं है अजीज। कल वो कह रही थी कि वो हमारे ऊपर बोझ बन गई है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो चली जाएगी। शायद इसी वजह से अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली गई। या खुदा, वो अकेले ही चली गई यहाँ से। शायद ऐसा ही है अजीज। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आप पुरसुकून रहिएगा। तुम्हारे कहने पे डिपेंड है। वादा कीजिए मुझसे, जो कहना है कह दो। आजम घर में घुस गया था आज। जब उसे पता चला दिलरुबा चली गई तो वो बहुत चिल्लाया। फिर मिस्टर गालिब आए थे, उन्होंने उसे समझाया और फिर साथ चले गए। बहुत उदास था आजम। तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया? नहीं, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। उसे दिखाऊंगा कि तबाही कैसे मचाते हैं। अजीज आप कुछ गलत नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ अजीज। इफ़नान, ऐसी हरकत के बाद मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? किसी को तो उसे इस पर सजा दिलवानी होगी ना, ऐसे नहीं रुकेगा वो। उसकी कैफियत आप नहीं समझ रहे अजीज। मैंने आजम को पहले भी गुस्सा करते हुए देखा है अजीज, लेकिन आज जो उसकी हालत थी वो आप नहीं समझ सकते अजीज। मैंने देखी है हालत। वो बार बार कह रहा था कि मुझे पागल कर दिया है, और दिख रहा था वो। वो पागल नहीं है, वो बस अपनी लालच का खिलौना बनकर रह गया है। ऐसे नहीं बोली अजीज, वो बहुत बुरे हालात से गुजरा है अजीज। अफसोस हो रहा है मुझे। अफसोस मत करो, सब कुछ उसने खुद किया है। आपने वादा किया है कि आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं रिलैक्स रहूंगा, लेकिन मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। उसे यहाँ ना आने और तुम्हें तंग ना करने के लिए समझाना होगा। तो फिर मैं भी जाऊंगी आपके बिल्कुल साथ। नहीं, अगर वहाँ उसने तुम्हें कुछ कहा तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, अपना वादा याद रखिएगा। मैंने किया है? हाँ। तो मैं वादा पूरा करूंगा। रुको 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 रुको, दिलरुबा, दिलरुबा पीछे हट जाओ, दिलरुबा नहीं आओ, दिलरुबा आजम, दिलरुबा जाने दो आजम, मुझे जाने दो आजम, दिलरुबा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा दिलरुबा, जैसे पहले था मैं सब कुछ वैसे ही कर दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ बिल्कुल। आजम दिलरुबा मत जाओ। आजम आजम आजम, हम साथ हैं, अब चलो घर चलते हैं। आओ दिलरुबा, मैं आप लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा दिलरुबा। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है, आप लोगों के साथ तो खास तौर से नहीं जाना है। चलो घर चलते हैं दिलरुबा, हम इसको समझाएंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। चलो, आपके बात खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरे सारे मसले सिर्फ आजम के साथ जुड़े थे, समझ गए आप? क्या सिर्फ मैं ही तुम्हारा मसला था? हाँ तो और कौन, और कौन था? तुम्हें इतनी सी भी शर्मिंदगी नहीं है जो कुछ भी तुमने किया? आखिर कैसे इंसान हो तुम आजम? काफी बातें हो गई, अब मैं कह रहा हूँ घर चलो। चलो आप मुझे इस तरह नहीं लेके जा सकते हैं गालिब साहब। आपके खानदान के साथ मेरा हर ताल्लुक आजम के साथ अब खत्म हो चुका है, इसलिए अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने पोते को लेकर जाने दूंगा जो तुम्हारे पास है? ये बात आपको कैसे मालूम हुई? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है दिलरुबा। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम कैसे हिम्मत कर सकती हो मुझसे और मेरी फैमिली से उस बच्चे को जुदा करने की? गालिब साहब, मैं किसी से भी कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे ये बात सबसे छुपानी पड़ी। सब कुछ जानने के बावजूद अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेरी बात को समझिए, मैं आपके खानदान का अब हिस्सा भी नहीं रही हूँ, तो अब बहुत मुश्किल हो गया है कि हम एक साथ एक छत के नीचे रह सकें। दिलरुबा, कुछ भी माफ और भुला दिया जा सकता है लड़की, चलो घर चलते हैं। मैं कभी भी किसी को तुम्हें ये याद दिलाने नहीं दूंगा। हाँ, हम सब ने एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना किया है, लेकिन हम भूल जाएंगे। आप मुझे शायद गलत समझे हैं गालिब साहब, मैं आपसे माफी नहीं मांग रही हूँ। हाँ, ये बात ठीक है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन इस सब में सिर्फ मेरी गलती तो नहीं है। जो कुछ भी हुआ हम सब उसके जिम्मेदार हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो गलत है मैं उसके साथ नहीं रह सकती। प्लीज गालिब साहब, तुम मेरे पोते को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक कैदी की तरह आपके घर पे बड़ा हो? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कैद था? रुको तुम। दिलरुबा, मुझे जवाब चाहिए। बताओ, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कैद था? प्लीज मुझे जवाब दो। गालिब साहब प्लीज, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कैद था? अजीज का प्यार ही चाहिए तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि वही प्यार करे तुम्हें? बस बताओ मुझे। आप ऐसा रवैया चाहते हैं मेरे बच्चे के लिए भी? दिलरुबा, बस बस बहुत हो गया है, तमीज से रहो। मेरी बीवी के सामने ऐसे बात मत करे। बहुत बातें हो गई, बस सूटकेस लो, हम चल रहे हैं। प्लीज गालिब साहब प्लीज। दिलरुबा, आज के बाद से तुम्हारी मर्जी चलेगी, मैं वादा करता हूं। तुमने सही फैसला किया है, चलो। दिलरुबा, यहाँ आओ, बैठो यहाँ, चलो आओ बैठो। अजीमे, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ। तुमने क्या खाया है जमील? पता नहीं, बस मैं करना चाहता था। तुम खुद को यूं माफ नहीं करवा सकते जमील। नहीं अजीमे, मैं किस हैसियत से तुमसे माफी मांगूं? फिर भी मैं जानता हूं तुम मुझे माफ कर दोगी। जमील, हाँ मैंने तुम पे गुस्सा किया, लेकिन मैं हमेशा गुस्सा नहीं करती, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ मैं, तुम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी किस्मत में यही लिखा था। मैं कभी भी तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी, शायद तुम मुझ पे और गुस्सा करो। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी जमील, मुझे हालात ने ऐसा कर दिया। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा जमील मेरे साथ है, इसलिए मुझे अब किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं। अजीम है, अगर मैं शराब छोड़ दूं तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? बिल्कुल चलूंगी जमील, तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारे साथ आऊंगी।
हमारे लिए यही बेहतर होगा कि अब हम यहाँ से चले जाएं। हम अपना घर बना सकते हैं, हमारा भी घर होगा, हर चीज हमारी अपनी होगी, फिर हम किसी बेबस की मदद भी कर सकेंगे। ये बहुत खूबसूरत घर है, लेकिन ये हमारा अपना नहीं है जमील। अजीम है। हाँ। मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? मेरे पास बस जमील तुम ही हो। मेरे लिए कीमती हो तुम। मेरे लिए भी। जाओ, मैं आ जाऊंगा। क्या हुआ? मैं थॉमस को देखकर आता हूँ। अरे वो आ जाएगा, चलो यार चलो। मैं देख के आता हूँ। ठीक है, तुम देख कर आओ। गेट पर आपके मेहमान आए हैं, वो आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। अंदर भेजो। ठीक है सर, आइए सर। मिस्टर फ्रेंड्स, क्या हुआ है? थॉमस हेनरी, पहले पुरसुकून हो जाओ, सांस लो, आओ बैठो प्लीज। सांस लेने का वक्त नहीं है पियर, उन्होंने थॉमस और हेनरी को अगवा कर लिया है। अगवा कर लिया? कब, कहाँ? हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, हम होटल की तरफ जा रहे थे, फिर थॉमस खो गया, हेनरी और मैं चलते रहे, फिर मैंने देखा एक आदमी हेनरी को लेकर जा रहा है। वो कैसा देखता था, क्या तुमने उसे देखा? देखा, मैंने देखा, वो बिल्कुल काला था, एकदम काला, एक साई की तरह था। आज रात यहीं रुक जाओ, होटल तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। मेहरबानी जी, कहिए सर। गेट के गार्ड्स को बोल दो कि फौरन फ्रैंकोस को ढूंढें। ठीक है सर। सब मेरी वजह से हुआ है आजम। मैंने अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाकर गुनाह किया है। तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को संभालो। अगर मैं उसके पीछे नहीं भागता डैड, वो दिलरुबा भी ठीक होती। सब मेरी ऐसा मत करो। दिलरुबा भी ठीक होती। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हार मानने का वक्त नहीं है। मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खुद को मार लूंगा, देख लिएगा। अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। मकसूद है, इधर देखो, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। हमें अपने मसलों में मत उलझाओ, हमारे पास पहले ही बहुत सारे मसले हैं। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ और अब यहाँ आराम से बैठो। क्या तुम्हें समझ आया? दिलरुबा कैसी है?
अभी कुछ नहीं पता, डॉक्टर साथ है। क्या वो अजीज के घर रुकी थी? इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, अभी ये बात करना मुनासिब नहीं। वो अब कैसी है डॉक्टर? माँ और बच्चे की हालत ठीक नहीं, बिना वक्त जाए किए हमें ब्लड का इंतजाम करना होगा। प्लीज जल्दी कीजिए, वक्त कम है हमारे पास। आपा, अजीज अभी तक नहीं आए हैं, दुआ करें कि उन्होंने आजम को कुछ न किया हो। अगर ऐसा होता तो अब तक हमें पता चल चुका होता। नहीं नहीं, अगर वो वहां जाते तो वो जरूर मुझे बताते, लेकिन उन्होंने मुझे उस बारे में नहीं बताया है। लड़की इतना मत सोचो, क्या हो गया है? हो सकता है वो अपने अंकल के पास चला गया हो, कि शायद उसे जहनी सुकून मिल जाए। क्या मैं जाकर देख कर आऊं उन्हें? अजीज ने मुझे कहा था कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे। या खुदा, क्या उसका तुम्हें हर चीज बताना जरूरी है? अब तुम ये जमील को ही देख लो, 3 दिन से गायब था मुझे बताए बगैर। कौन है? रुको मैं देखता हूँ। अलीश। इतनान बाजी। अलीश, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दिलरुबा बाजी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको वहाँ खून की जरूरत है, क्या आप वहाँ चल सकती हैं? ठीक है अलीश, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? चलिए चलिए उसे खून दे। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं खून नहीं दे सकती। अरे कैसी बातें करिए, चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। चलिए चलिए। इफ़नान, मैं खून नहीं दे सकता, मैंने कभी खून दिया ही नहीं, मुझ में वैसे ही खून की बहुत कमी है, मैं खून नहीं दे सकता। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले लो, मगर मारो मत। पुरसुकून रहो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहोगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जो पूछोगे मैं सच सच बताऊंगा। क्या तुम्हें पता है पेयर के तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स के बारे में? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। देखो, मैं सिर्फ यहां अपनी नौकरी करने के लिए आया हूं, बस। तुम सच नहीं बता रहे? नहीं नहीं, मैं बताता हूं। क्या तुमने इस बारे में यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट की है? नहीं नहीं। क्या तुम्हें भी कुछ नहीं पता? हाँ पता है, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता। तो तुम फ्रेंच की तरफ से डॉक्यूमेंट्स को झूठा बनाने और इलेक्शन को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने भी कभी भी ऐसा काम नहीं किया। पियर, वो किसको कोच की चोरी का जिम्मेदार समझ रहा है? मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता। क्या पेयर ने तुमसे मिस्टर खालिब के बारे में बात की है? नहीं। ये चोरी प्लान की थी मिस्टर खालिब ने,
मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूं। एक दिन बाद मैं तुम में से एक को रिहा कर दूंगा। अब फैसला तुम दोनों के हाथ में है कि तुम दोनों में से कौन जाना चाहता है। एक दिन बाद रिहा होने वाला आदमी पियर को बताएगा कि कोच की चोरी के पीछे गालिब पायदार का हाथ है। हम कैसे फैसला करेंगे कि हम में से कौन रिहा होगा? तुम समझदार लोग हो, कोई रास्ता ढूंढ लो। मुझे बताइए कैसी है वो? अभी वो ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर ने बस ये कहा है कि उसे खून की जरूरत है। मिस्टर केनान, क्या आप खून देने के लिए तैयार हैं? जरूर। क्या अजीज यहाँ है? उन्होंने खून दिया है दिलरुबा को? अजीज तो यहाँ नहीं आया, मुझे तो लगा तुम दोनों साथ हो गए। नहीं, हम लोग तो घर पर थे। तो इफ़नान, एक मासूम जान का सवाल है, क्या तुम खून दे सकती हो? कैसी बातें कर रही है मकसूदे, जरूर दूंगी मैं खून। खुशामदीद अजीज, अगर तुम यहाँ हो तो मतलब दिलरुबा बेहतर हो गई है। दिलरुबा को क्या हुआ है? तुम नहीं जानते क्या? मुझे मालूम होता तो क्यों पूछता, क्या हुआ है? आजम और गालिब साहब दिलरुबा को घर ले जा रहे थे कि रास्ते में झगड़ा हो गया। दिलरुबा ने भागने की कोशिश की लेकिन वो गिर गई और जख्मी हो गई। वो और बच्चा दोनों खतरे में है। अंकल, खून मिला क्या आपको? कैसी है वो? नहीं मिला, वो अंदर बिस्तर पर है। क्या हुआ अजीज? तुम कहाँ थे अजीज हीरो? देखो, तुमसे प्यार करने वाली औरत वहां मर रही है और शायद वो मेरा बच्चा भी मार दे। अल्लाह मुझे सबर दे बस। तुम उसे दूसरी औरत बना सकते हो घर में, लेकिन तुम मुश्किल वक्त में नजर नहीं आते आजम। और मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ, तुम ही सबके जिम्मेदार हो। तुमने मेरे खिलाफ मेरी बीवी के दिमाग में जहर भरा है, वरना आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आजम, क्या मैं गलत हूँ मकसूदे? हाँ, क्या ये सब कुछ अजीज की वजह से नहीं हो रहा? क्या ये उसकी बदकिस्मती नहीं है? यहाँ तक के मुस्तफा भी उसकी वजह से मर गया। आजम बस करो। मैं थोड़ी देर में आता हूं। आजम, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्या कर लोगे तुम? हाँ आजम, बस करो, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। चुप हो जाओ, मुंह बंद करो अपना। तुम्हारी बातों ने इस खानदान को बर्बाद कर दिया। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रहने दीजिए, वो अपने आवास में नहीं है, उसे नहीं पता वो क्या कह रहा है। अजीज, उसको पता है कि वो क्या कह रहा है। बस, सब लोग चुप हो जाओ, ये वक्त है साथ रहने का। मुझे कोई बहस नहीं सुनी, चुप हो जाओ। इफ़नान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीज दिलरुबा के साथ जो भी हुआ वो बताने के लिए आया था, तो हम आ गए। आप कहाँ थे? इस पे बाद में बात करेंगे। ठीक है।
फ्रैंकोस, क्या तुम देख रहे हो तुम्हारे सिपाही कितने काबिल हैं? सही कह रहा हूं ना मैं? तकरीबन 3 मिनट से ये लोग दरवाजा नॉक कर रहे हैं और कोई भी नहीं खोल रहा। रुको रुको रुको, जिस किसी सिपाही को भी एक छोटा सा सबूत मिलता है कि अजीज पायदार इस मामले में शामिल है तो मैं उसे एक खास इनाम दूंगा। दरवाजा तोड़ दो। फ्रैंकोस, मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ और अपने लिए भी बना लो प्लीज। जैसे आपका हुक्म सर। अजीज पायदार इतने आराम से नहीं बैठेगा, इसके बाद वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हम ये सब उसके जवाब के लिए ही तो कर रहे हैं। मुझे ये मिला है सर। मैडम दिलरुबा वो वर्कशॉप इफ़नान को देके चली गई। आराम से चलो अजीमे, आराम से, फिकर नहीं करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे, आराम से चलो। जमील, मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने से गुजरी। क्या आप में से कोई और मिस दिलरुबा के लिए खून देना चाहता है? नर्स साहिबा, मेरा भतीजा भी खून देगा। आ जाइए आप साथ। तुम कल ही इन आदमियों को फौरन निकाल दो। उन सब आदमियों को पूरे वक्त के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है और वो यहाँ बेवकूफों की तरह लगे हुए हैं। जैसे आपका हुक्म सर। नर्स, क्या किसी का खून दिलरुबा से मिल रहा है? जी आजम सर। किसका खून? मिस इफ़नान का ब्लड मैच हुआ है। मिस इफ़नान, क्या आप दिलरुबा मैडम को खून देने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, आप खून ले लीजिए, मैं तैयार हूँ नर्स। तो ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। खुदा तुम्हें जिंदगी दे,
मुझसे तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, और उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। खुदा तुम्हें लंबी जिंदगी दे, मेरा बच्चा बच जाएगा। बिल्कुल आजम, मैं जा रही हूँ। आजम, उसे खून देने जाने दो। मुझे माफ करना, तुम जाओ, तुम जाओ। या खुदा तेरा शुक्र है, या खुदा तेरा शुक्रिया। प्यार, अब मैं और नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं और मैं तुम्हें इलेक्शंस से पहले जाने नहीं दे सकता। इन हालात में हम इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? हमें हर सूरत इलेक्शन को आगे बढ़ाना होगा। नहीं, इलेक्शंस उसी तरीके से होंगे जैसा मैंने तय किया है, हम पीछे नहीं हट सकते। हमारी दोस्ती और एक दूसरे के फायदे की वजह से मैं कभी भी तुम्हारे खिलाफ हरगिज नहीं गया पियर, लेकिन अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं। ये मेरा अपना जाती फैसला है, मैं अब वापस जा रहा हूँ अपने मुल्क जनेवा। रैंकोस, जी कहिए सर। मिस्टर फ्रांस को सेक्रेटरी ऑफिस में ले चलते हैं, वहां के गार्ड्स इनकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। ये इलेक्शन होने तक हमारे मेहमान बन के रहेंगे। जैसे आपका। कहीं तुम मुझे यहां नहीं रोक सकते, समझ गए पियर? मेहमान की जान की हिफाजत के लिए। प्लीज आइए। साहब की बहू को सेहत दे, इंशाल्लाह जरूर। बता रहे थे कि माँ और बेटा दोनों मरने के नजदीक थे। सुना है इफ़नान ने खून दिया तो दिलरुबा की जान बच गई। वो कह रहे थे अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया। तुम्हें पता है गालिब साहब सबको अपने पोते की खुशी में दावत दे रहे हैं। अल्लाह पाक गालिब साहब से राजी हो। आपने हमें दावत से नवाजा। ये हमारी फैमिली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिन है, इसीलिए इस शहर की बेहतरी के लिए एक बहुत अहम फैसला किया गया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज के बाद से मैं अजीज पायदार डिप्टी कैंडिडेटशिप से इस्तीफा दे रहा हूं। फिक्र मत कीजिए, आ जाओ। सर, हेनरी आपसे मिलना चाहता है। अंदर भेजो। आ जाइए।
इस तरफ। मिस्टर हेनरी, आपको क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? बैठे प्लीज। मैं इस ओहदे को एक और कीमती उम्मीदवार के लिए छोड़ रहा हूं और फख्र से ऐलान करता हूं कि मैं इस ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। हमारे और आपके नए उम्मीदवार प्यार, जिसने तुम्हारी गाड़ी लूटी थी, गालिब पाएगा। गालिब पायदार। आप अपने इन अल्फाजों पे पछताएंगे। मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं और इस शहर में अपना असर और रसूख दिखाऊंगा। मिस्टर बियर, फ्रैंकोस। जी कहिए सर। अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो, हम गालिब पायदार को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। जैसे आपका हुक्म सर। मिस्टर मिलान, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया मिस्टर पियर, आपको देखकर मुझे यहाँ बहुत खुशी महसूस हो रही है। Kalbimden herkes geçti, bir tek aşkın paydar. Düştüm, kaldım, durdum dağ gibi. Baştan yaz ey hayat,
Yeah.